ओडिशा के संबलपुर में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्थानीय आदिवासियों की जरा भी फिक्र नहीं। मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने खाने का कानून बनाने में 60 साल लगा दिए, वो गरीबों के हक में क्या सोचेगी। भारी भीड़ से उत्साहित मोदी ने कहा कि अगले चुनावों में जनता का एक खास मकसद ये है कि देश को बर्बाद करने वालों को नहीं बख्शेंगे। देश के नागरिक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं, इतना ही मकसद नहीं है। सिर्फ मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इतना भी सिर्फ मकसद नहीं है। लेकिन देश की जनता का एक और मकसद है, और वो मकसद है देश को बर्बाद करने वालों को सजा करने का। गौर करने वाली बात यह रही कि मोदी ने राज्य में पिछले 12 फरवरी की रैली की तरह मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर निशाने नहीं साधे। माना जा रहा है कि इसकी खास वजह है पटनायक से गठबंधन के विकल्प को खुला रखना, क्योंकि बीजेडी ने तीसरे मोर्चे से खुद को अलग कर लिया है, इसलिए घुमा फिराकर निशाने पर दिखी तो कांग्रेस ही। हमारे देश में कोई गलती करे तो समाज कभी माफ करता है, किसी से कोई कमी रह जाए तो समाज सोचता है चलो भाई आगे कभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई धोखा करे तो जनता कभी उसे माफ नहीं करती है। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी एक भी सीट जीत नहीं पाई थी। जाहिर है अपनी 272 प्लस की मुहिम में मोदी कोई दांव छोड़ना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया।